हेलो गाइस, आज हम डेल इंस्पिरॉन N5110 मॉडल का लैपटॉप का रिपेयरिंग करेंगे। तो लॉकडाउन चल रहा है, इस बीच ये लैपटॉप आ गया है मेरे पास। तो इसका पिन आप देख सकते हैं, मोटा पिन है, ठीक है। तो इसका जो प्लग है इस साइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पोर्ट है इसका। तो प्लग लगाने के साथ इसका जो पावर है वो गायब हो जाएगा। देखिए देखिए, आप वहाँ पे नोटिस किए पावर केबल में क्या हुआ? तो बेसिकली ये जो पोर्ट है यहाँ से कुछ शॉर्ट हुआ होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। बेसिकली यही होता है। अब देखते हैं फिर से। तो आया अभी तक तो अच्छा, इसे फिर से लगा लिया, उसके बाद अभी तक आया नहीं है। ठीक है, मैं फिर से लगा लेता हूँ। और रिसर्च करने का ज़रूरत पड़ता है। तो ये आ गया, यहाँ पे सप्लाई आ गया है। बट तो हमें इसे तो खोलना पड़ेगा पूरा। तो बैटरी को निकाल देते हैं। एक इसमें 6 सेल होगा, 6 सेल बैटरी है, ठीक है। और अब सारे स्क्रू फ्रू खोलना पड़ेगा। यहाँ पे हर जगह पे स्क्रू लगा हुआ है, तो स्क्रू खोलना पड़ेगा। तो खोल लेते हैं। स्क्रू खोल दिया, रैम दिख रहा है आपको। यहाँ पे जो स्क्रू है ना, एक खोलने के बाद डीवीडी ड्रॉ बाहर आएगा। तो खोल दिए। अब हम कीबोर्ड को खोल देते हैं। कीबोर्ड को हम कीबोर्ड ओपनर से भी खोल सकते हैं, ऐसे भी खोल सकते हैं, वो खुद का मर्जी है, आप कैसे खोलना चाहे। मैं अपने नाखून से ही खोल दिया, नाखून बड़ा होना चाहिए तब जाके खोल सकते हैं। बट इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है, क्योंकि नाखून टूट भी सकता है। तो संभाल के, मेरा तो काम ही है इसलिए मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आहिस्ते से खोलने के बाद ये जो रिबन है, रिबन को खोल लेना है। वहाँ पे क्लिप सिस्टम है। मैं अपना बायां हाथ से काम कर रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए, खोल गया। यहाँ पे आप और एक रिबन देख पा रहे हैं ना, ये वाला जो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और ऊपर एक है। तो जो बाएं तरफ का है वो रिबन था पावर का। हाँ, ये वाला जो है ये पावर का है, और पहले वाला जो था ये वाला माउस का है। माउस 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 ठीक नहीं, मतलब वो जो टच पैड होता है ना, लैपटॉप का ही माउस बोला जा सकता है, तो टच पैड का है। इसका प्लास्टिक निकल गया थोड़ा, ठीक है, कोई नहीं। हम उसको फेविक्विक डाल सकते हैं, फेविक्विक या फिर E800 भी डाल सकते हैं। तो सारे रिबन हमने खोल दिए। तो इसके बाद हमें इसको पूरा ओपन कर लेना है, सर्किट को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्क्रू है उसे खोलना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं बोलना भूल गया था, फिर से खोल दिया। खोल के दिखा रहा हूँ, ये जो स्क्रूस है, ये स्क्रू खोलना ज़रूरी है, वरना वरना जो मदरबोर्ड है वो निकलेगा नहीं। तो मैंने खोल लिया है। अब इसका निकल आएगा। निकलने के बाद रहा मदरबोर्ड, नीचे पड़ा हुआ है, ऊपर से ही ओपन होता है, पीछे से नहीं ओपन होता है, ऊपर से ही ओपन हो जाता है। तो ये जो है वो पावर सेक्शन का है, आप देख सकते हैं पावर सेक्शन का है। और इस साइड में जो है वो इंडिकेटर्स वगैरह का है। तो जो भी है यही है। और ये टच पैड का IC वगैरह, तो टच पैड इसका ख़राब हुआ नहीं। अगर टच पैड ख़राब होता तो हम इसे भी निकाल लेते, जो भी हो। आप देख सकते हैं मदरबोर्ड
में कहीं पे भी कोई ऐसा कुछ नहीं है जिससे लगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपाउंड ख़राब हुआ होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है डिस्प्ले का है, तो डिस्प्ले का केबल निकाल देते हैं। डिस्प्ले का केबल निकाल दिया, ये जो है ये वाईफाई का है, आपको पता ही होगा, वाईफाई का एंटीना का तार निकाल दिया। हिंच का स्क्रू खोलेंगे, उसके बाद डिस्प्ले भी बाहर आ जाएगा। हिंच का स्क्रू खोलना है तो खोल दिया मैंने, आ गया बाहर। अब सिर्फ मदरबोर्ड रह गया और हमें काम सिर्फ मदरबोर्ड पे ही करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाला चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, ये रहा पावर सेक्शन, ठीक है? तो इसका पावर सेक्शन का पूरा अलग सेटअप है, मतलब मदरबोर्ड से पूरा अलग है। तो मुझे लगता है कि अगर इस सेक्शन को बदले, ये रहा निकल दिया, ये जो सेक्शन है इसे अगर बदल दे तो काम हो सकता है। एक बार देख लेते हैं, अगर ये सेक्शन में ही प्रॉब्लम है तो इन चेंज करने पे काम बन जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। और ये जो आईसी, ये शायद ख़राब हो गया होगा, शायद, मैं कॉन्फर्म नहीं हूँ, शायद। तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक्स में सब कुछ ख़राब हो सकता है भाई, सब कुछ ख़राब हो सकता है, एक छोटा सा चीज़ भी ख़राब हो सकता है, तो सब कुछ चेक करना ज़रूरी होता है। तो हम इसे चेंज कर देते हैं तो ये शायद ठीक हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो इससे बाद भी वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते हैं इसे चेंज करते हैं, उसके बाद पार्ट 2 इसका आएगा।